भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हर वर्ष 11 अप्रैल को मनाया जाता है। माँ का अजन्मे शिशु से रिश्ता उसके जन्म के एहसास के साथ ही जुड़ जाता है और वो हर घड़ी, हर पल, हर दर्द, हर पीड़ा को सहन करते हुए केवल अपने भावी संतान के स्वास्थ्य और मंगल की कामना करती है। तो ऐसे में सुरक्षित मातृत्व का महत्व बढ़ जाता है। दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मैं रितु सेलट नमस्कार करती हूँ। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस का उद्देश्य सुरक्षित मातृत्व के महत्व को उजागर करना एवं देश में मातृ मृत्यु दर को कम करना है। तो दोस्तों, आइए आज हम अपने विषय सुरक्षित मातृत्व के माध्यम से इस प्रयास में अपना योगदान दें। हमारी अतिथि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और उन्होंने सुपर स्पेशलाइजेशन किया है स्त्री कैंसर रोग पर। तो स्वागत करते हैं हम डॉक्टर सुप्रिया गुप्ता जी का। स्वागत है डॉक्टर सुप्रिया जी आपका। तो डॉक्टर सुप्रिया, जैसे मैं दर्शकों से बात कर रही थी कि जो हम कहते हैं कि स्त्री की एक मातृत्व जो है सुरक्षित होना चाहिए, तो ये अवेयरनेस ना केवल वुड बी मदर को बल्कि मुझे लगता है परिवार के सभी सदस्यों को होना ज़रूरी है। और हमारे दूरदर्शन से जुड़े हुए दर्शक हमारा परिवार है, तो मैं चाहूँगी कि आप उन्हें अवश्य बताएँ कि क्यों हमें सुरक्षित मातृत्व की आवश्यकता पर चर्चा करना चाहिए। जी देखिए, मदर्स जो होती है ना, वो सोसाइटी की बैकबोन बनाती है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हेल्दी मदर रहेगी तो हेल्दी बेबी रहेगा, हेल्दी बेबी रहेगा तो वही बड़े होके अपनी फैमिली को भी अच्छे से रखेंगे। तो सेफ मदरहुड नॉट जस्ट फॉर द मदर, जबकि उसकी बेबी के लिए। अगर बेबी गर्ल हेल्दी होएगी जैसे, तो वो भी बड़े होके हेल्दी मदर बन पाएगी। तो फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, मतलब फ्रॉम द टाइम की वो स्टार्ट करती है अपने कंसेप्शन के बारे में सोचना, तब से लेके प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के बाद, जो गर्भावस्था के बाद वाला टाइम रहता है, वो तीनों ही फेजेस में मदर की केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हमारे मदर हेल्दी रहेगी तो हमारी सोसाइटी भी हेल्दी रहेगी। जी बिल्कुल, एक मदर ही जो बोलते हैं, एक स्त्री जो होती है, वो पूरे परिवार को लेके और पूरे समाज को लेके ही चलती है। बिल्कुल। तो डॉक्टर, कई बार ऐसे केसेस भी आते होंगे जब क्रिटिकल स्टेज में आते हैं, तो क्यों ऐसा होता है? देखिए, दोनों ही एस्पेक्ट्स में अगर हम देखें, जो हम अर्बन पॉपुलेशन में भी देखें और जो रूरल पॉपुलेशन में देखें, दोनों ही हम फेजेस में देखते हैं कि क्रिटिकल केसेस आते हैं हमारे पास। अब दोनों ही कंडीशन में ऐसा होता है कि कुछ केसेस, जैसे इंडिया में हम अभी बोलें कि मैटरनल मोर्टैलिटी रेट है जो, वो बहुत कम हो गया, 97 हो गया है। जो 2018-20 का जो डेटा है, 97 per 1 lakh पॉपुलेशन हो गया, बट स्टिल 35,000 लेडीज़ हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के कारण चले जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। तो क्रिटिकल केसेस में ये ही बस नहीं, उसमें से एक बहुत बड़ा कॉज है अनीमिया। क्योंकि वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। राइट। अब वो सिर्फ प्रेगनेंसी में हो रही है ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। वो हम प्रेगनेंसी के पहले अगर हम देखें, अगर हम किसी मदर को बहुत अच्छे से उनकी देखभाल करेंगे, उनको अवेयर बनाएंगे, उनको एजुकेट करेंगे, तो वो अपनी ऑल द टाइम पूरे तो अपना वो प्रेगनेंसी के दौरान भी ख्याल, तो हम कुछ परसेंटेज उससे कम करेंगे। तो क्रिटिकल केसेस कब होते हैं? जब हम ये सब चीज़ें मैनेज नहीं कर पाते प्रेगनेंसी से पहले। तो एक अनीमिया हो गया, दूसरा जिसके कारण जैसे थोड़ा सा भी ब्लड प्रसव के दौरान खून जाता है तो वो उनका शरीर उस लायक ही नहीं रहता कि वो उतना ब्लड लॉस सहन कर पाए। तो आपके कहने का मतलब ये है कि प्रेगनेंसी के पहले से जो तैयारी, अवेयरनेस, ये जो हम सुरक्षित मातृत्व पे आज जो चर्चा कर रहे हैं, वो प्रेगनेंसी के पहले से भी होना चाहिए। और इसलिए सुरक्षित मातृत्व पे चर्चा करना भी बहुत, बहुत जरूरी हो जाता है। और साथ ही अभी जैसे कोविड वगैरह की समस्या आई, तो प्रेगनेंसी पे भी इफेक्ट आते हैं उस सब चीज़ों के। बिल्कुल, अभी जब कोविड के दौरान ऐसी भी सिचुएशन हम देख रहे थे, मैं कोविड के दौरान केरला में थी, तो हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि कुछ मदर्स तो हॉस्पिटल पहुंच भी नहीं पाती थी, या इतनी लेट पहुंचती थी, क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंचती थी, क्योंकि उन्हें पता भी नहीं रहता था कि कौन सी सिचुएशन, कौन से डेंजर साइंस रहते हैं जिनमें उनको डॉक्टर की हेल्प सीक करनी चाहिए। देखिए, एक जनरेशन थी जब घर में डिलीवरी होती थी, ऐसा बोलते थे, ठीक है, नहीं, लेकिन आजकल इतनी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को प्रमोट कर रही, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही, इतने सारे प्रोग्राम्स आ गए हैं कि हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो प्रोग्राम्स आ गए तो हम उनकी हेल्प लेके, जो हमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनकी हेल्प लेके हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को प्रमोट करें। तो वो डेंजर साइंस को हमें आइडेंटिफाई करना रहता है ताकि लोग हमारे पास पहुँचे इस समय जब हम उनकी हेल्प कर सकें एक्चुअली। तो बात यही हो जाती है कि लोगों को अवेयरनेस, एजुकेशन एंड देन
उनकी सेफ्टी के लिए हम मेहनत कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए दर्शकों, बहुत ज़रूरी है कि हम सुरक्षित मातृत्व को समझें, उसकी ज़रूरत को समझें। जैसे डॉक्टर ने कहा कि क्रिटिकल स्टेज में पहुंचेंगे तो डॉक्टर के लिए भी बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन जच्चा और बच्चा दोनों की जो लाइफ है वो एक पूरे समाज के लिए, एक पूरी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमें इस विषय पर चर्चा करना तो बनता ही है। बिल्कुल जी। तो जैसे हम देख रहे हैं कि आज जो महिलाएं हैं, आप भी डॉक्टर हैं, बहुत हायर एजुकेशन प्लान करती हैं, अपना करियर भी प्लान करती हैं और मैरिड लाइफ में भी बहुत प्लानिंग से जाती हैं। तो जब वो एक मदरहुड के लिए जाती हैं, एक अपनी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए चलती हैं, तो मुझे लगता है बहुत सारे फैक्टर्स, जैसे एज है, फाइनेंशियल सिचुएशन है, वर्किंग आवर्स है, ये सारे फैक्टर्स वो कंसिडर करना ज़रूरी हो जाता होगा उनके लिए। बिल्कुल ज़रूरी है। देखिए, अब प्रेगनेंसी ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम रहता है जी, जिसको इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेचुरल प्रोसेस, हमें उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। ओके ठीक है। तो अब ऐसे हम सोचेंगे कि प्रेगनेंसी हाँ हो गई, अच्छी बात है, हो गई, लेकिन मदर की बॉडी को भी उस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट करने के लिए उस चीज़ को अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। जी ठीक है। तो एक तो आजकल ये हो गया कि बहुत लेट प्रेगनेंसीज लोग प्लान करते हैं। ठीक है। तो बहुत लेट प्रेगनेंसीज प्लान करना या बहुत जल्दी प्रेगनेंसी प्लान करना, दोनों ही चीज़ें अच्छी नहीं होती। दोनों ही जो फैक्टर्स होते हैं वो उतने अच्छे नहीं होते, बेनिफिशियल नहीं होते। तो एक एज फैक्टर बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि जितनी लेट करेंगे उतनी इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ते जा रही है। आप आजकल देख रहे होंगे, क्योंकि 30 इयर्स के बाद जो है वैसे ही जो फीमेल्स में प्रेगनेंसी फर्टाइल पीरियड कम हो जाता है, तो एक वो भी प्रॉब्लम आती है। फिर जो ऐसे जैसे लेट होती है प्रेगनेंसी, वैसे वैसे बीपी, शुगर, ये सब की समस्या भी बढ़ने लग जाती है। तो हर एक प्रेगनेंसी के साथ एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन वो बढ़ते जाता है। ठीक है। अगर बहुत जल्दी प्लान कर लेते हैं तो उसके भी अपने रिस्क होते हैं, जैसे कि अनीमिया मैंने आपको बताया, उन लड़कियों में ज़्यादा होता है। ठीक है। फिर वो स्पेसिंग नहीं, उनको नॉलेज ही नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता कि अपने बच्चे का, क्योंकि वो खुद ही इतनी मैच्योर नहीं होती कि अपने बच्चे का कैसे ख्याल रखें। जी जी बिल्कुल। ठीक है। तो जैसे आप जैसे हमने बात की कि सब अपने करियर को साथ में लेके, तो प्रेगनेंसी इज अ नेचुरल फिनोमेना, हमें उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि हम प्लान करेंगे। इट शुड बी कि आपको अपने साथ उसको लेके चले, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। बिल्कुल। तो हमें ऐसे नहीं सोचना है कि हम प्लान करेंगे, इतना हो जाए उसके बाद प्लान करेंगे। वो चीज़ अगर हम अपने मन में लाएंगे या हमारी, तो उसके लिए सिर्फ लड़की अगर ऐसे सोचे कि हम क्यों, उसे क्यों सोचना पड़ता है, क्योंकि उसके आसपास भी लोगों को इतना नहीं पता कि हम उसको किस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। लाइक उसके अगर न्यूट्रिशन का एक जन ख्याल रख ले, उसकी फिजिकल एबिलिटी का कोई एक जन ख्याल रख ले, तो वो अपने करियर प्लस अपनी मदरहुड दोनों को साथ में लेके चल पाएगी। तो सेफ मदरहुड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बस मदर को नहीं होती या उसके हस्बैंड को नहीं होती, वो पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, पूरी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अगर हम ये चाहते हैं कि जो आजकल प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं, जैसे हमारे पास बहुत सारे केस आते हैं हाइपरटेंशन के, डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी के, जो शुगर बढ़ जाता है। ठीक है। इनफर्टिलिटी के केसेस हम बहुत देखते हैं अपने डे टू डे प्रैक्टिस में। तो ये सब अगर ना हो तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको अपनी जो घर की बेटियां हैं, बहुएं हैं, उनको ये बताना पड़ेगा कि नहीं, तुमको जब प्लान करना है, जब तुम्हें ठीक लगता है तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं और ये हम प्रॉब्लम्स तभी हम कम कर पाएंगे। एग्जैक्टली। मतलब फैमिली, आप ये कह रहे हैं कि देखिए, एक तो आपने एज फैक्टर कहा, एज फैक्टर की बात की कि अगर बहुत यंग हैं तो आपका मेंटली और फिजिकली आप तैयार नहीं रहते, आपकी बॉडी एनिमिक भी रहती है, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें आ जाते हैं, मैच्योरिटी लेवल नहीं रहता। अगर एज ज़्यादा है तो बॉडी में बहुत सारी ऐसी क्षमताएं कम हो जाती हैं, बहुत सारी डेफिशिएंसी भी हो जाती हैं, बहुत चीज़ें भी आपके साथ एसोसिएट हो जाती हैं, और प्लस जो है आप मेंटली भी आप उस समय स्ट्रेस में हो जाती हैं। प्लस आपको ये देखना चाहिए कि आपका पारिवारिक सपोर्ट कैसा है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप वर्किंग है तो आपको अपने वर्किंग आवर्स भी देखने हैं, बच्चे की परवरिश करनी है। प्लस आपने ये भी पॉइंट कहा कि डाइट, डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि आप उस समय शुरू कर रहे हैं, फ्रॉम द स्टार्टिंग आपको अपने डाइट के लिए कॉन्शियस रहना चाहिए। तो देखिए, डॉक्टर ने हमें बहुत ही अच्छे फैक्टर्स बताए हैं और इस बेस फैक्टर्स को बिल्कुल बेस बना के अगर हम रखें तो मुझे लगता है कि हम एक मातृत्व को बहुत ही सुरक्षित एनवायरनमेंट जो है बिल्कुल जी बिल्कुल दे पाएंगे। हाँ जी। डॉक्टर, मैं ये जानना चाहूँगी कि चूंकि जैसे कोविड भी आया तब हमको थोड़ा समझ में आया, और चूंकि फैमिली भी आजकल न्यूक्लियर हो गई है, तो बहुत सारी जेनेटिक इशूज़ भी प्रेगनेंसी के समय देखने मिलती हैं या कोविड के कारण भी समस्याएँ देखने मिलती हैं, तो किस तरह के प्री मेडिकल टेस्ट, जो प्रेगनेंसी के पहले चेकअप्स होते हैं, मेल को और फीमेल को रिक्वायर्ड होते हैं? देखिए, प्रेगनेंसी के पहले, जिसे हम प्री कंसेप्शनल केयर बोलते हैं, जी, वो एक्चुअली 3 मंथ्स पहले, आप जब प्रेगनेंसी
प्लान करने की सोच रहे हैं, 3 मंथ्स पहले उसको स्टार्ट कर देना चाहिए हर मैरिड लड़की को, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, हर मैरिड लड़की को, सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन का ध्यान रखे। अगर उसे उस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि क्या न्यूट्रिशियस फूड लेना है, तो उसे कंसल्ट करना चाहिए अपने गायनेक से या जो भी डाइटिशियन से, जिसे भी कंसल्ट करके उसे अपने न्यूट्रिशियस फूड को इम्प्रूव करना चाहिए। क्या सप्लीमेंट्स लेना, लाइक फोलिक एसिड लेना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन चालू कर देना चाहिए। सेकेंडली, उनको अपने जो टेस्ट कराने हैं, जैसे आपने पूछा, तो टेस्ट कराने, तो थायराइड टेस्ट, हीमोग्लोबिन का टेस्ट फीमेल्स में, और बीपी, ठीक है, ये करना तो एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट रहता है। तो मतलब टेस्ट भी जरूरी है और सप्लीमेंट्स सप्लीमेंट्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अभी हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे दर्शकों, और ब्रेक के तुरंत बाद हम आपसे मिलते हैं, तो थोड़ा बस इंतज़ार कीजिए हमारा। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत करती हूँ। तो डॉक्टर हमें बता रही थी कि किस तरह के हमको टेस्ट, प्री मेडिक जो प्रेगनेंसी टेस्ट है मेल और फीमेल के लिए, तो प्लीज़ आप उसको बताएं हमारे दर्शकों को। ठीक है, देखिए ब्लड टेस्ट जो हमें करवाने रहते हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हीमोग्लोबिन। जी ठीक है, हीमोग्लोबिन एक अच्छा मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि बेबी को भी एडिक्वेट ब्लड सप्लाई मिले। राइट। सेकेंड थिंग, थायराइड टेस्ट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, शुगर टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है। अगर शुगर पहले से बढ़ी हुई है तो हम उसको कंट्रोल करें प्रेगनेंसी से, ताकि बेबी को भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फिर बीपी, हाँ, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहना चाहिए, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ता है तो दौरे आने का खतरा भी रहता है, और बेबी को ब्लड सप्लाई बिल्कुल भी नहीं जाता प्रेगनेंसी में, तो बेबी की ग्रोथ नहीं हो पाती, बेबी को जो हेल्दी वेट मेंटेन करना रहता है वो नहीं हो पाता। तो ये हुए फीमेल के टेस्ट। मेल्स को भी टेस्ट कराने रहते हैं, मेल्स को भी कराने चाहिए, जैसे कि हमारे जो छत्तीसगढ़ बेल्ट है, छत्तीसगढ़ पंजाब बेल्ट है, यहाँ पे सिकल सेल और थैलेसीमिया की बहुत ज़्यादा बीमारी रहती है। तो यदि लड़कियों में हीमोग्लोबिन मेंटेन नहीं हो रहा और सिकल सेल की बीमारी और हस्बैंड में भी है, तो बेबी को भी होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। राइट। तो बड़ा थैलेसीमिया है, छोटा थैलेसीमिया है, ये बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये भी मेल्स को भी कराना चाहिए ही चाहिए। मतलब अगर ये हम प्री मेडिकल पहले टेस्ट करवा लेते हैं और डॉक्टर के नॉलेज में आ जाता है, तो फिर एक बहुत हम हेल्दी जो है उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, किस तरह के हमको उनको मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करनी है, ये सारी चीज़ें पहले से, और वो मेडिसिन वगैरह भी शुरू कर देंगे डॉक्टर उस हिसाब से। तो एक हम अच्छा बेबी के लिए जो है शुरू से हेल्दी एनवायरमेंट जो है प्लान हो जाएगा, और मदर के लिए भी सेफ रहेगा। बिल्कुल जी। तो डॉक्टर, जैसे आप हम 9 मंथ की बात करते हैं, तो उस समय जब प्रेगनेंसी प्लान हो जाती है, 9 मंथ चालू होते हैं, तो कहाँ कहाँ किस किस स्टेज में कौन कौन से टेस्ट जो है रिकमेंड होते हैं, डाइट सप्लीमेंट्स किस तरह के होते हैं, और जैसे अभी आपने कॉम्प्लिकेशंस की बात करी तो वो किस तरह के हो सकते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में बताएं। देखिए, हम ना प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, शुरू के 3 महीने, बीच के 3 महीने, और बाद के 3 महीने। ठीक है, तो जो शुरू के 3 महीने होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो प्रेगनेंसी की प्रिपरेशन तो जैसे हमने बात करी पहले से, प्रेग्नेंट होने के पहले से चालू हो जाती है। बिल्कुल। जैसे ही अगर किसी लड़की को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो सबसे पहले उसे अपने आसपास के सेंटर में जाके दिखाना चाहिए। तो वहाँ पे इनको सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। फोलिक एसिड शुरू के 3 मंथ्स में लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फोलिक एसिड से बच्चे की नोज और स्पाइन डेवलप होती है। तो ये चीज़ें लोग इग्नोर करते हैं, वो बहुत छोटी सी पीली गोली होती है जो सबको खाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसके अलावा फीमेल्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको डाइट अपनी अच्छी रखनी चाहिए, एंड फर्स्ट सोनोग्राफी जो प्रेगनेंसी के दौरान पहली सोनोग्राफी होती है, वो भी बहुत ज़रूरी होती है। उससे हमें पता चलता है कि बेबी की लोकेशन सही है कि नहीं, कार्डियक एक्टिविटी, बच्चे की धड़कन आई है कि नहीं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट जो 5th मंथ होता है, हम आफ्टर 3rd मंथ हम उनको आयरन, फोलिक एसिड और कैल्शियम की टैबलेट चालू करते हैं। जी। तो आयरन
एटलीस्ट एक गोली सबको लेनी चाहिए। अच्छा अगर किसी को अनीमिया हमें पता है तो हम उन्हें 2 गोली देते हैं। ओके कैल्शियम, कैल्शियम लेना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि जितना आपका बॉडी में कैल्शियम बेबी के पास जा रहा है हाँ, क्योंकि बेबी की भी ग्रोथ हो रही है, तो आप ये अभी के समय के अलावा आपके बाद के समय के लिए भी इम्पोर्टेंट है। लड़कियों की हड्डियाँ बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाती है, देखिए ना आप, हमारी मदर्स को घुटने में दर्द हो रहा हाँ, है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, बिल्कुल वो इसीलिए होता है क्योंकि उस समय वो उन्होंने अच्छे से सप्लीमेंट नहीं लिए हैं। राइट ठीक है, जी तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनको आफ्टर 3rd मंथ कैल्शियम सप्लीमेंटेशन देना चालू कर दें, आयरन सप्लीमेंटेशन देना चालू कर दें, फोलिक एसिड वो कंटिन्यू रखें, और 5th मंथ की सोनोग्राफी बहुत ज़्यादा ज़रूरी। जैसे आपने मेरे से अभी बात करी जेनेटिक डिफेक्ट्स की, तो कुछ ऐसे बनावटी खराबी होती है जो हम 5th मंथ की एक बहुत डिटेल सोनोग्राफी होती है उससे हम पता कर सकते हैं। तो ये कराना बहुत बहुत ज़रूरी होता है जिससे बच्चे की अगर कोई बनावटी खराबी है हाँ, तो हम पहले से पता करके रख सकें। जी अगर कोई बनावटी खराबी है तो हम मदर को बता सकें, उसकी फैमिली को बता सकें, हमें उसके आगे कैसे प्रोसीड करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का इलाज रहता है हाँ जो डिलीवरी के बाद हम तुरंत कराएं तो बेबी हेल्दी रहेगा। ओके ठीक है, यदि कुछ ऐसे खराबी है जिससे हमें अभी इलाज नहीं है तो हम वो भी बताना ज़रूरी बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं, ये सब चीज़ें हमें पहले पता चल जाती है। सही जो बाद के 3 महीने हैं हाँ उसमें हमें ये मदर का ये देखना रहता है कि एडिक्वेट वेट गेन हो रहा है कि नहीं। राइट एडिक्वेट मदर का वेट गेन होगा, और एडिक्वेट वेट गेन ये नहीं कि कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, ओके ज़्यादा हो रहा है तो वो भी बहुत हार्मफुल रहता है। हाँ एडिक्वेट वेट गेन होता है कि एक 10 से 11 किलो एक हेल्दी मदर का जी गेन हो, जी जी उससे ज़्यादा होना भी हार्मफुल है, उससे कम कम होना भी होना भी हार्मफुल है। ओके ठीक है, एडिक्वेट वेट गेन हो रहा मतलब है एक कि साइन नहीं, हो जाता है, अगर ज़्यादा होना या कम होना इट्स नॉट ए गुड साइन। नहीं वो दोनों ही चीज़ों में हमें देखना पड़ता है, जी क्योंकि वो वेट गेन जो हो रहा है वो ज़रूरी नहीं कि बेबी के कारण ही हो रहा है। ओके कभी कभी जैसे हाथ पैर फूल जाते हैं मदर्स हाँ के, देखा हाँ होगा, हाँ पैर हाँ में सूजन सूजन आ आती जाती है, अंगूठियाँ टाइट हो जाती है, हाँ ब्लाउज टाइट हो जाता है, वो सिर्फ ये ज़रूरी नहीं कि बिकॉज प्रेगनेंसी है तो हो रहा है। ओके वो कभी कभी इडीमा बोलते हैं, जो हाथ पैर जो सूज सूज जाते हैं जाते ना, हैं पानी भर जी जाता है, बीपी बढ़ा हुआ है, वो एक साइन होता है कि आपका वजन ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपका बीपी बढ़ रहा है। ओ तो ये सब चीज़ें अगर वो रेगुलर चेकअप में आएंगी जी तो हम उन्हें बता पाएंगे कि आपको ये ध्यान रखना है। ओ माय गॉड तो बिल्कुल 3rd मंथ की जो सोनोग्राफी होती है वो बेबी की पोजीशन देखने के लिए, कि जी आप नॉर्मल लेबर करा सकते हो कि नहीं, जी उनकी बेबी की पोजीशन कैसा लाई है जी वो देखने के लिए, जो अवल नाल है जी उसकी लोकेशन सही है कि नहीं वो देखने के लिए ज़रूरी होती है। तो जरूरी 3 सोनोग्राफी तो एटलीस्ट करानी ही करानी ही रहती है चाहिए। सबको। ओके मतलब कितनी सारी आपने जानकारी दे दी। देखिए दर्शकों को बिल्कुल इग्नोर नहीं कीजिए, जो डॉक्टर आपको सप्लीमेंट दे रहे हैं, डॉक्टर ने हमें बताया सुप्रिया ने कि कैसे क्यों ज़रूरी है, हाँ जी उससे क्या डेवलप हो रहा है शिशु का, तो हम कहते हैं कि इसको हमने इग्नोर कर दिया, स्किप कर दिया, बहुत ही गलत है। और जो आपने सोनोग्राफी की बात की, हर स्टेज में आप जो आपको डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं वो आप प्रॉपरली करवाएं, बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर अगर जैसे मेंटल स्ट्रेस होता है तो किस तरह वो उसको दूर किया जा सकता है। देखिए, मेंटल स्ट्रेस का ना बहुत बड़ा कारण तो ये है कि मदर बहुत एंग्शियस रहती है जी कि उसका बेबी हेल्दी रहे, राइट फर्स्ट ये होता है। जी सेकंड उनका ये भी रहता है कि जब बेबी आ जाएगा जी तो उसके बाद वो उसे कैसे सपोर्ट करेगी। हाँ हाँ तो 3-4 फैक्टर्स हैं इसके लिए। जी सबसे पहले तो उनका एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ओके मेंटल स्ट्रेस के लिए, एनवायरनमेंट विद इन एंड एनवायरनमेंट आउटसाइड, ओके दोनों ही चीज़ें जी इंपॉर्टेंट है। जी अब मैं किसी को बोलूं कि नहीं आप फैमिली में अच्छे से रहिए हाँ और तब आपका मेंटल स्ट्रेस कम रहेगा, हाँ ऐसा नहीं हो सकता। आपको खुद के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, ओके आपको डेली मेडिटेशन करना चाहिए, राइट योगा करना चाहिए, ओके जिससे आपका एनवायरनमेंट विद इन अच्छा रहे। राइट ठीक है, जी एनवायरनमेंट आउटसाइड अच्छा रखने के लिए फैमिली को भी सपोर्ट सपोर्ट करना करना चाहिए। चाहिए ठीक है, तो ये एक फैक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी दूसरी चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि जो मेंटल स्ट्रेस होता है जी वो सेकेंड फैक्टर होता है कि बाकी आगे कैसे, जैसे अब हम बोल दिए कि बेबी आ रहा है, बेबी हेल्दी, हाँ नाउ द सेकेंड फैक्टर कम्स कि फाइनेंशियल इश्यूज उनको होते हैं। अब जैसे आप किसी, आप हाँ डेली वेज वर्कर को बोलेंगे जी कि आप हेल्थ, अब अभी आपको रेस्ट की ज़रूरत है, जी जी 6 महीने आप मत करो कुछ, हाँ बेबी के यू पास नीड अ रेस्ट रहो, हाँ यू नीड रेस्ट। हाँ तो आप उसको उसके लिए, वो तो डेली वेज डेली वर्कर या है ट्रू ना, तो जी उसके लिए आप, उसके लिए तो ये भी एक मेंटल स्ट्रेस का कारण हो रहा है ना कि उसकी डेली वेजेस यस जा रही हैं। तो ये जी सब चीज़ों के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए ओके कि आपके पास जो सुविधाएं हैं आप जी उसे यूज़ करिए, जी आपके पास जो सुविधाएं हैं जो गवर्नमेंट देती है, जी जो बिल्कुल सब जगह है, जी जो हर हेल्थ सेंटर में रहती जी है, जी उसे आप यूज़ करिए। बिल्कुल, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बिल्कुल है क्योंकि अगर ज़रूरी। हम सुरक्षित मातृत्व की उनसे बात करते हैं तो पहले हमको उनको इस बात का एहसास दिलाना है कि उनको जीविका का जो आधार है
वो गवर्नमेंट से उनको हेल्प मिल रही है और वो उसको प्रॉपरली अगर अवेयर हैं फैमिली वाले उससे तो वो उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम आप लोग भी रन करते होंगे डॉक्टर? हाँ जी हाँ जी, एक्चुअली देखिए क्या होता है कि हर स्टेटा में बिल्कुल ये रहता है कि हमें ये देखना रहता है कि सबके पास सुविधाएं पहुंच रही हैं कि नहीं, तो वो चीज़ करने के लिए जी बहुत सारी सुविधाएं रहती ही और बहुत हैं, सारे मेरे ख्याल से प्रोग्राम्स भी प्रोग्राम्स चलते रहते भी हैं, चल रहे हैं। तो वो जरूरी होता है कि दर्शक इसी तरह जैसे अब हम आप बात कर रहे हैं तो टीवी से जैसे हमारे प्रोग्राम से जुड़े हैं तो उनको नॉलेज मिलता रहेगा इन सब चीज़ों से। डॉक्टर ये अगर हम बात करते हैं, ये तो प्रेगनेंसी तक की बात हो गई, अब हम अगर बात करते हैं कि पोस्ट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी हो गई है लेकिन उसके बाद भी हमको एक हेल्दी शिशु जो है चाहिए और इन्फेक्शन ना हो मदर को शिशु को, तो उसके बाद भी किस तरह के चेकअप चाहिए रहते हैं, किस तरह का एडवाइस चाहिए रहती है? प्रेगनेंसी हो गई, प्रेगनेंसी डिलीवरी हो गई, एक तो इंस्टीट्यूशनल, उसमें डिलीवरी के समय इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए, मतलब हॉस्पिटल में होना बेहतर होता है। यदि आपकी घर में डिलीवरी हो रही है तो वो भी किसी ट्रेन पर्सन को कंडक्ट करानी, पहली चीज़ ये है। तो उससे ये हो जाता है कि आपका जो प्रसव के बाद की जो चीज़ें हैं वो आपको उसी समय पता चल जाती है। दूसरी चीज़ आपको ये होना चाहिए कि एटलीस्ट जो आपका जैसे डिस्चार्ज आता है प्रेगनेंसी के बाद, उसके लिए आपको बार बार जो अपने इन्फेक्शन ना हो जी, वो पैड या जो कपड़ा यूज कर रहे हैं वो चेंज करना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग करवाना प्रेगनेंसी के बाद बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है कि आपकी जो बॉडी प्री प्रेगनेंसी स्टेट में थी वो नॉर्मल में रिटर्न आती है। ठीक है, तो अच्छा मतलब ब्रेस्ट फीडिंग कराने से जो प्री प्रेगनेंसी स्टेज से नॉर्मल वो अपना में हेल्प करती है। बिल्कुल ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने तक कराना बहुत जरूरी होता है। इससे सिर्फ ये नहीं होता कि आप मदर को ये कर रहे हैं कि नॉर्मल प्री प्रेगनेंसी स्टेट में, दूसरी चीज आप जो है ना 6 महीने का जो वो गैप है तो वो एक तरह से गैप मेंटेन करने, दो बच्चों में गैप मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। एंड जो वो 6 महीने में बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है ना, वो सिर्फ उस समय के लिए नहीं, वो पूरी लाइफ लॉन्ग के लिए न्यूट्रिशन रहता है। तो बाद में जो इन्फेक्शन होते हैं वो सबसे भी प्रोटेक्ट करता है, वो इसी 6 महीने का दूध प्रोटेक्ट करता है। तो वो हेल्दी बच्चे के हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके फर्दर फ्यूचर में जो इन्फेक्शंस ना हो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है, मदर के लिए भी ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। और आई थिंक और कोई टेस्ट लगते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी मदर को किसी तरह के टेस्ट कराने? हाँ जी, देखिए एक तो ये है कि पहले अगर उनको कोई कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी से पहले थे तो वो अभी बढ़े तो नहीं हैं या वो ठीक हो गए हैं, या उनसे रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस उनको, जैसे थायराइड की दिक्कत थी तो थायराइड का टेस्ट, बीपी की दिक्कत थी तो बीपी का टेस्ट, ये सब कराना बहुत जरूरी, शुगर है तो वो कराना, क्योंकि 6 हफ्ते के दौरान कराना जरूरी है। इसमें इनको ये भी ध्यान रखना चाहिए वो 6 हफ्ते में अगर वो टीकाकरण करवाने जा रही है अपने बेबी का तो सिर्फ बेबी को नहीं, वो खुद को भी एग्जामिन करवाएं। अगर उनको कभी गंदा पानी जाता है या पेट में दर्द होता है, बुखार आता है, ये 3 वार्निंग साइन होते हैं जो अगर हो उन्हें तो उन्हें तुरंत अपने आसपास के अस्पताल में जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण जानकारी दी डॉक्टर आपने, लेकिन मैं अभी ये जानना चाहती हूँ, चूँकि आप स्त्री कैंसर रोग में विशेषज्ञ भी हैं, कि क्या प्रेगनेंसी में ली गई ये सारी सावधानियाँ कहीं ना कहीं हमें कैंसर रोग से बचाती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम अभी बात कर रहे थे ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड, जिन महिलाओं ने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करी है अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के बाद, तो उनमें चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बहुत कम होते हैं। अब प्रेगनेंसी अगर लेट करते हैं ना तो उससे चांसेस ऑफ जो अंडाशय का कैंसर होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी का भी इसीलिए टाइम सही होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर प्रेगनेंसी बहुत जल्दी कर ले रहे हैं तो उसमें भी दिक्कत होती है। अगर आप बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं तो वो भी दिक्कत है। तो एक हेल्दी मदरहुड सिर्फ ये नहीं होता कि आपको केवल एक हेल्दी बच्चा दे रहा है, या आपकी बॉडी को हेल्दी रख रहा है। प्लस अगर नहीं हो करते हैं, जिन लोग बहुत लेट करते हैं उसमें फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस, जो रसौली बोलते हैं हम, जैसे रसौली, एंडोमेट्रियोसिस की आजकल समस्या बहुत हो गई, ये सब प्रॉब्लम बढ़ते जाती है। तो इसीलिए टाइमली प्रेगनेंसी, बहुत हेल्दी मदरहुड बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। हो जाता है, मतलब सुरक्षित मातृत्व ना केवल आपको एक हेल्दी चाइल्ड दे रहा है बल्कि एक मदर की पूरी लाइफ सेव कर रहा है, अगर हम इसको इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो। हाँ, डॉक्टर मैं चाहूंगी कि आप एक ट्रिप्स हमको दीजिए हेल्थ रिलेटेड, जो वुड बी मदर यंग आ रही है और ऐसी मदर भी, अगर मैं अपने आप को भी इसमें गिनूं जिनके टीनेजर बच्चे हैं और चूंकि 45 से प्लस एज से गुजर रही हैं, मेनोपॉज की इश्यूज हो रही हैं, तो किस तरह के डाइट, किस तरह के हमको हेल्थ टिप्स फॉलो करना चाहिए? देखिए ये तो आपने बहुत अच्छी चीज़ पूछी, क्योंकि जो
जो 40s में लेडीज पहुंच जाती जी हैं, जी है ना, तो उनके लिए ना जो वो ट्रांजिशन होता है, मीनोपॉजल जी ट्रांजिशन होता जी है, जी जब वो मीनोपॉज के नियर पहुंचती हैं, वो जी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्यों? क्योंकि उसके बाद जो नेचुरल हार्मोन्स होते हैं बॉडी में वो ख़त्म हो जी जाते हैं, जी तो एक वीकनेस आ जाती जी है ऐसा बोला जाता जी है. जी लेकिन ऐसा नहीं हो, उसलिए अपनी डाइटरी अगर चेंजेस कर लें वो जी पहले से, जी तो बहुत अच्छा होगा. जैसे मिल्क का कंजम्पशन जी वो इम्प्रूव कर लें, जी ठीक है. अगर वो आयरन एंड फोलिक एसिड जी लेते रहें, जी कंटिन्यू लेते जी रहें, वो बहुत अच्छा जी होगा, जी ठीक है. कैल्शियम के सप्लीमेंटेशन लें, जी विटामिन D3 लें, जी डेली योगा करें, ओके 5 मिनट्स डेली मेडिटेशन मतलब करें. अगेन आप सजेस्ट कर रही हैं कि वो सारे प्रोसीजर फॉलो करें जो उन्होंने एक मदर के समय अपने आप को किए उन्हें थे, किए थे, वो भूले ना उस बात को। हाँ जी, तो सच में डॉक्टर सुप्रिया आपने मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था आज हमारा सुरक्षित मातृत्व, और बहुत बढ़िया जानकारी दी, अपना बहुत समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों को उम्मीद करती हूँ कि जो मदर हाँ वुड बी मदर है हमारी फैमिली में, और जो सासू माँ है, और साथ में जो मेल हैं परिवार के, उन्होंने हमारे इस शो के माध्यम से अच्छी जानकारी प्राप्त की होगी, और एक सुरक्षित मातृत्व के लिए अपना प्रयास जरूर करें, अपना योगदान दें। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, इसी शुभकामना के साथ मैं रितु सिलट आपको नमस्कार करती हूँ। धन्यवाद।